गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। क्या दोस्तों, आपके बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे दिखते हैं? मैं मजाक कर रही हूँ। होता क्या है, जब भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि तुम्हारे बाल तो बिल्कुल झाड़ू जैसे लग रहे हैं। तो इस झाड़ू को कैसे सिल्की स्मूथ शाइनी बना सकते हो आप, यानी कि अपने ड्राई फ्रिजी डैमेज बालों को कैसे आप वापस से शाइनी स्मूथ कर सकते हो, तो इसके लिए आज मैं आपको एक नेचुरल मैथड बताऊँगी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके बालों को स्मूथ करने में, ड्राइनेस को हटाने में। क्योंकि ये DIY आपके बालों को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है और बालों को सॉफ्ट स्मूथ बनाने में मदद करती है। तो एक छोटी सी DIY आप यूज़ करोगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और फर्स्ट बार में ही इसका रिजल्ट दिखता है। तो वो छोटी सी DIY आप कैसे बनाओगे और कैसे सही से यूज़ करोगे, इसके लिए तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मगर उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है। साथ ही कमेंट भी करिएगा, क्या आपको भी झाड़ू जैसे बालों से परेशानी है, यानी कि आपके बाल भी क्या ड्राई और बहुत ज़्यादा रफ रहते हैं? तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। DIY बनाने के लिए आप लीजिए एक कटोरी और उसमें ऐड करिए 4 से 5 चम्मच ग्लीसरीन। ग्लीसरीन आपको मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाती है, वही वाली ग्लीसरीन हमें यूज़ करनी है। इसके बाद आप इसमें ऐड करिए 2 चम्मच शहद और फिर इन दोनों इंग्रेडिएंट को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद बस आपकी आसान सी और बहुत ही असरदार होम रेमेडी तैयार है। अब आइए देखते हैं इसको आप अप्लाई कैसे करोगे। आपको अपने बालों को 2 भागों में डिवाइड कर लेना है और फिर पानी छिड़कना है अपने बालों पे, यानी बालों को गीला करना है, जिससे कि ये DIY हमारे बालों पे अच्छे से अप्लाई हो सके। तो बालों को गीला करने के बाद फिर छोटे छोटे पार्ट्स लीजिए बालों के और उस पर इसको अप्लाई करिए। आपको ये DIY अपने हेयर लेंथ पे लगानी है और हेयर टिप पे ज़्यादा लगानी है, क्योंकि बाल हमारे ज़्यादातर हेयर टिप से ड्राई और रूखे सूखे लगते हैं। तो हेयर लेंथ पे इस DIY को अच्छे से लगा लीजिए। दोस्तों, इसमें मैंने दोनों इंग्रेडिएंट जो यूज़ किए हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे और ये इफ़ेक्टिव भी हैं बालों का रूखापन जो बालों में हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, तो आपको दिखेगा इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और ये बहुत आसान है और बहुत अफोर्डेबल है। तो इस तरह से बालों की लेंथ पे मैं लगा लूँगी दोनों साइड। पूरी हेयर लेंथ पे लगाने के बाद आप अपने बालों को बांध लीजिए और इसको आपको कम से कम आधे घंटे तक अपने बालों में रखना है, फिर शैम्पू कर लेना है। शैम्पू के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्ले वाला प्योरीफाइंग एंड हाइड्रेटिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। ये मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसे लगाने के बाद आप देख ही सकते हो ऐसा रिजल्ट आता है। शैम्पू करने के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ महसूस करते हैं और ये शैम्पू और कंडीशनर समर के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि स्कैल्प पे भी बहुत ज़्यादा कूलनेस देता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो शैम्पू और कंडीशनर सजेस्ट किया है वो आप अपने नज़दीकी किसी भी ग्रॉसरी स्टोर या सुपरमार्केट कहीं से भी ले सकते हो। मैंने ये बिग बाज़ार से लिया था क्योंकि कॉम्बो फॉर्म में मुझे मिला था कंडीशनर और शैम्पू, सिर्फ 185 का शायद मिला था या 180 का मिला होगा। तो इसमें फ़ायदा है तो आप इसे ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हो कितने का है। मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अमेज़न का, तो आप चेक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, आप इस छोटी सी DIY को लगाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसमें जो दोनों इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट क्या, बेस्ट है ड्राई फ्रिजी और डैमेज वालों के लिए। तो एक बार तो आप ज़रूर ट्राई करिए, इसका फ़ायदा लीजिए और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, और कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। और मुझे ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करिए। जहाँ आप बिल्कुल फॉलो ही नहीं कर रहे हैं जल्दी से फॉलो करो, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो और घंटी दबा देना बेल आइकन, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस हैं उनको आप मिस ना कर सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।